देखो मैंने आपसे कुछ बातें पूछी थी, क्या बता सकते हो? सुशांत सिंह सर अभी जिंदा है क्या? क्या मुझे येस या नो में जवाब दे सकते हो? येस येस का साउंड आ रहा है दोस्तों, और कुछ भी नहीं आ रहा, रिप्लाई में केवल आप येस आ सुशांत रहा सिंह है। राजपूत सर की आत्मा हो क्या? मेरी बात उनसे हो रही है? अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कोई इशारा दे सकते हो? कोई तो कनेक्ट हुआ है, म्यूजिक की आवाज भी आई है दोस्तों। यार भाई, को फोन की स्क्रीन ऐसे कैसे हो रही है? कोई तो है यार अपने आसपास दोस्तों, शोरूम है 100%, तो कोई तो कनेक्ट हुआ है, एक्टिविटी भी हुई है। भाई कैंडल एक ही जल रही है। नहीं दोनों जल रही है। ओए कौन है सर? देखो अगर आप मेरे से जुड़े हो तो क्या कंफर्मेशन कर सकते हो? भाई कोई लेडी क्या? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द आरजे व्लॉग्स, और हाजिर है आपका भाई राधे फिर से एक वीडियो के साथ में। यार काफी भाइयों के मैसेज आ रहे थे इंस्टा पे और मैसेंजर पे कि यार भैया आप इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, तो यार लगभग 7-8-9 दिन बाद में आज वीडियो अपलोड हुई है। और ये वीडियो भी दोस्तों मेरे बनाने का कोई रीजन नहीं था, आप लोगों की डिमांड थी। काफी मैसेजेस आ रहे थे कि यार भाई सुशांत सिंह राजपूत सर जो थे उनकी बरसी निकली है, तो यार सब जगह वीडियो देखी, कोई बोल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अभी भी जिंदा है, वो मरे नहीं है, इनके पीछे क्या राज है। तो भाई आप इस पे एक वीडियो बनाओ और हमें क्लियर करो कि वाकई वो जिंदा है या मर चुके हैं। मैंने भी यार दोस्तों बहुत सारी वीडियो देखी और जहाँ तक मेरे को पता चला कि यार कहीं ना कहीं 50% चांस है सर के जिंदा होने के। CBI भी रुकी हुई है इसी वजह से कि यार अभी तक वो भी कंफर्म नहीं कर पाई कि वो अभी तक जिंदा है या नहीं, इसीलिए आपका भाई ये वीडियो बना रहा है। और वीडियो इतने दिन चैनल पे इसीलिए नहीं आई कि यार दोस्तों लगभग 7 या 8 दिन हो गए मैं था हॉस्पिटल में किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। तो यार सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भाई फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं पहले तो जाके पेज को फॉलो कर ले, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की बात मैं बता दूं दोस्तों कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है शमशान घाट पे, ठीक है? एक ऐसा क्रोधित शमशान घाट जहाँ पे रात में तो क्या दिन में आने से भी लोग घबराते हैं, वहाँ पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। एक तो मैं ऐसी ऐप यूज करूंगा नेक्रोफोनिक, ठीक है? शायद अगर आसपास मेरे कोई भी स्पिरिट होगी, जरूरी नहीं है कि वो सर की ही हो, किसी और की भी हो सकती है, वो लेडीज हो सकती है, जेंट्स हो सकता है, या कोई बच्चा भी हो सकता है, किसी की भी आत्मा हो सकती है। अगर मेरे आसपास कोई भी ऐसी रूह या आत्मा हुई तो उस ऐप से वो मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करेगी, और कुछ मंत्र है उनका भी मैं प्रयोग करने वाला हूँ। तो फटाफट से यार वीडियो पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चलते हैं। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे शमशान घाट है, वहीं पे चल के कुछ तंत्र विद्या भी करने वाला हूँ मैं, शायद हो सके सुशांत सर की जो स्पिरिट है वो हमसे कनेक्ट हो और बात करने की कोशिश करे। और जहाँ तक मेरे को पता है ना, ये शमशान इतने डेंजरस है दोस्तों के यार यहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है? तो वीडियो पे बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, हो सके आपके स्किप करने से जो वीडियो का मेन पार्ट है वो आप देखने से मिस कर दो। चले भाई ठीक है भैया आ जाओ, तो बढ़ते हैं शमशान घाट की तरफ। तो यार दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आया हूँ एक क्रोधित शमशान घाट में, ठीक है? यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ ना वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस तरफ, ठीक है? मोमबत्ती पड़ी है, कैंडल है, ठीक है? और जो ऐप मैंने आपको बताई आप जाके प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, ये ऐप आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है? इसके कुछ चार्ज लगते हैं, क्योंकि चार्ज इसीलिए करे कि ये यहाँ की नहीं है ऐप, ये है इंडिया की, इंडिया से बाहर की, सॉरी इंडिया में ये प्रॉपरली बैन है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, आपको भी पता होगा कि मोबाइल यूज करते हैं अपने फैमिली मेम्बर का, ठीक है? तो वो प्ले स्टोर पर जाके ये वाली ऐप डाउनलोड करके यूज ना करें, इसीलिए इसको प्ले स्टोर से बैन कर रखा है नेक्रोफोनिक। जिस भाई को किसी को डाउट होना वो अभी प्ले स्टोर ओपन करके अच्छे से देख ले, ये ऐप सर्च करके देख लेना, ये आपको वहाँ
इसके चार्जेस अवेलेबल होंगे, ठीक है, या वेबसाइट से या इसको परचेज करके ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें, ठीक है, क्योंकि लेने के देने पड़ सकते हैं। हम ये सब करते हैं ना तो कुछ ना कुछ सेफ्टी रखते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं एक बार आपको शमशान घाट का व्यू दिखा दूं। और यहाँ के बारे में एक चीज़ और है दोस्तों जो मैं आपसे क्लियर कर दूं कि यार इसी शमशान घाट में कब्रिस्तान भी है, दोनों चीज़ें यहीं पे बनी हुई है। और यहाँ पे आके सुशांत सिंह राजपूत, इनसे मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि हो सके कोई दूसरी स्पिरिट हमसे कनेक्ट हो और वो शायद हमें ये बता सके कि यार वो सर अभी जिंदा है या नहीं। फटाफट से बात करने की कोशिश करते हैं अपन SSR सर से कि शायद हमसे कनेक्ट होता है क्या। हवा चल रही है दोस्तों और चाहे दोस्तों की कैंडल जले या ना जले, भाई एक बार पास में लेके व्यू कर लो थोड़ा सा। ऐप को सबसे पहले स्टार्ट करके रखते हैं। अगर आपको दोस्तों कोई भी चीज़ फील होए या कैमरे में कोई भी चीज़ रिकॉर्ड होए तो बताना ज़रूर यार, ठीक है। पहले कैंडल चालू करते हैं। हवा काफी चल रही है यार दोस्तों, बारिश भी आने वाली है पता नहीं, और थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि मैं जो ये कर रहा हूँ ये बहुत ही रिस्की है। अगर कोई दूसरी स्पिरिट आ गई और गुस्से में रही तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। कैंडल जल तो रही है दोस्तों लेकिन हवा की वजह से ये बार बार बंद हो रही है यार। तो भाई पास में करके जलाने की कोशिश करते हैं, शायद जल जाए। इसको भी स्टार्ट कर देते हैं तब तक। दोस्तों यार मेरे को नहीं लग रही कि ये कैंडल प्रॉपरली जल पाएगी, क्योंकि दो तीन बार मैं ट्राई कर चुका हूँ लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है शायद ये कंटिन्यू जली हुई ना रहे। और दूसरा रीजन कोई और भी हो सकता है इनके नहीं जलने का। तो फिलहाल वेट करते हैं, शायद हवा रुके थोड़ी सी, तब तक भाई थोड़ा पास में आ जाओ एक बार, जो भी आत्माएं हैं उनका आह्वान करते हैं और फिर बात करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, आत्मा भूत पिशाच डायन चुड़ैल, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे आसपास कहीं भी मौजूद हो तो आप मेरे से बात करने की कोशिश करो। ये जो मेरे हाथ में आप आपको मेरे हाथ में एक चीज दिखाई दे रही होगी, अगर आप मेरे को कुछ भी कहना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो इसके द्वारा आप मेरे से बात कर सकते हो। क्या यहाँ पे कोई आत्मा मौजूद है? अगर यहाँ पे कोई भी मौजूद है तो वो हमें कोई इशारा दे सकती है? क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सुशांत सिंह राजपूत सर की आत्मा हो? क्या मेरी बात उनसे हो रही है? अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कोई इशारा दे सकते हो? कोई तो कनेक्ट हुआ है, म्यूजिक की आवाज भी आई है दोस्तों। क्यों है यार भाई, फोन की स्क्रीन ऐसे कैसे हो रही है? कोई तो है यार अपने आसपास दोस्तों, शोरूम में 100% तो कोई तो कनेक्ट हुआ है, एक्टिविटी भी हुई है अभी। देखो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर SSR सर मेरे से कनेक्ट है तो क्या वो मुझे जवाब दे सकते हैं?
आवाज। क्या मैं जान सकता हूँ मेरे से कोई लेडी की आत्मा कनेक्ट हुई है या किसी जेंट्स की? दोस्तों शायद हो सके कोई लेडी कनेक्ट हुई है, जहाँ तक आवाज लग रही है मुझे ये किसी औरत की आवाज है। मैं आपसे देखो कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, क्या आप उनके जवाब दे पाओगे? शायद एक बार ट्राई करते हैं अगर कैंडल जल जाए तो। अचानक से हवा बंद हो गई, इतनी देर काफी तेज हवा चल रही थी और शायद ये जगह भी कुछ अजीब है, शायद इस वजह से भी कैंडल ना जले। भाई कैंडल एक ही जल रही है? नहीं दोनों जल रही है। कौन है सर? देखो अगर आप मेरे से जुड़े हो तो क्या कंफर्मेशन कर सकते हो? कंटिन्यू लेडी की आवाज आ रही है, कोई ना कोई लेडी। भाई कोई लेडी की आत्मा जुड़ी है मेरे से? देखो अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। भाई तरह शायद अपने यूट्यूब फैमिली को भी और फेसबुक फैमिली को भी नजर आए कि अपन क्या कर रहे हैं। क्या सुशांत सिंह सर अभी जिंदा है? आप मुझे यस या नो में जवाब दे दो। कंटिन्यू आवाज आ रही है, कंटिन्यू आवाज आ रही है, कोई तो कनेक्ट है। देखो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, क्या मेरे साथ कोई आत्मा कनेक्ट हुई है? अगर आप मेरे से जुड़े हो तो यहाँ पे किसी भी चीज में कोई एक्टिविटी करके बताओ। अगर मेरे साथ कोई आत्मा कनेक्ट हुई है तो क्या आप कोई मूवमेंट करके बता सकते हो? नो नो, क्लियर आवाज आई है दोस्तों, नो। क्या सुशांत सिंह सर अभी जिंदा है? यस और नो? कुछ आया था ना? हाँ, अंदर की तरफ से आया। मैं एक बार कैमरा घुमा के देखना है। देखो मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या सुशांत सिंह सर अभी भी मौजूद है, वो जिंदा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार भाई। क्या बता सकते हो सुशांत सिंह सर अभी जिंदा है क्या? क्या मुझे यस या नो में जवाब दे सकते हो? यस यस का साउंड आ रहा है दोस्तों और कुछ भी नहीं आ रहा, रिप्लाई में केवल यस आ रहा है। क्या आप अगर हमारे सामने आ सकते हो? हमें पता है आप हमसे जुड़े हुए हो, अगर कोई भी ऐसी आत्मा जो हमसे कनेक्ट हुई है, जो हमसे बातें कर रही है, वो हमारे सामने आ सकती है? भाई पास में आना है क्या? दोस्तों क्लियर सुनना, आपके सामने बात कर रहा हूँ ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे भाई आप कुछ कर रहे हो तो ये देखो फोन आपके सामने पड़ा है। अगर जो आत्मा हमसे जुड़ी है वो हमारे सामने आ सकती है क्या? यस या नो में जवाब दे। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप हमारे सामने आ सकते हो? दोस्तों क्लियर सुना होगा आपने, आप वापस देख करके देख लेना वीडियो को, क्या रिप्लाई आया था। मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा ठीक है। क्या
SSR सर अभी भी जिंदा है। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, क्या सुशांत सिंह सर अभी भी जिंदा है? दोस्तों यार क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज क्या कहना चाह रही है, ठीक है, लेकिन एक लेडी की आवाज आ रही है और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दो बार कोई सर कोई आवाज आई थी। हाँ भाई मैं आगे चलना खतरे से खाली नहीं है, मेरे को लग रहा है कि कोई तो स्पिरिट अपने से कनेक्ट हुई है। फोन की आवाज आ रही है बीबी ऐप में, जैसे ही दूर हुए ना अभी तक। वही कौन है यार? अच्छा आगे नहीं चलेंगे भाई फिलहाल, है ना, वापस उस तरफ चलते हैं। ऐसे लगा था यार कि कोई पीछे से निकला है शायद अपने। हाँ वही है ना। फोन साइड में पड़ा था अपना। हाँ कंटिन्यू आवाज आ रही है। देखो ये फोन यहाँ पे आपने रखा था, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, सिर्फ मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए, इस फोन को यहाँ पे आपने रखा था क्या? क्या इस फोन को आपने रखा था? बंद करते हैं सबसे पहले तो। पीछे हो जाओ इस जगह से। दोस्तों यार जो कुछ भी था आपके सामने था, ठीक है, ये चीज गलत नहीं हो सकती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि ये चीज बिल्कुल ये ऐप रॉन्ग नहीं। आप जाके ट्राई कर लेना, इसके बारे में गूगल करके देख लेना कि ये ऐप रियल है या नहीं। हो सके कोई ना कोई स्पिरिट यहाँ पे हो, और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपनी राय दें, कमेंट करें, ठीक है, और आप लोग भी सजेशन कर सकते हो मुझे कि मेरे को सर से बात करने के लिए और क्या एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि पता नहीं था वो कौन सी स्पिरिट थी, ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो सुशांत सिंह सर की स्पिरिट हमसे जुड़ी थी, हो सके कोई दूसरी नेगेटिव एनर्जी थी। फिलहाल मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, तब तक के लिए सभी भाइयों को शुभरात्रि, जय श्री श्याम, मिलते हैं जल्दी किसी नई लोकेशन पर।